हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई इलेक्ट्रिकल ज्ञान। इसरो की तरफ से खुशखबरी निकल कर आई है आईटीआई वालों के लिए। उन्होंने परमानेंट वैकेंसी के लिए एडवर्टीजमेंट रिलीज की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की तरफ से एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है और ये आपका 14 तारीख के डेट में रिलीज हुआ है फ्रेंड्स। और इसमें जो भी सीट है वो परमानेंट सीट है आपके लिए। इसमें जो आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन भी आपका सीट इसमें निकला है, तो चलिए मैं उसमें बताता हूँ कौन कौन से ट्रेड के कितने कितने सीट है। और इसका जो फ्रेंड ऑनलाइन का जो डेट है कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, तो ये आप 14 मार्च से 9 बजे से लेकर के आप 3 अप्रैल 17 बजे तक यानी 5 बजे तक आप लोग शाम तक अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए इसमें मेनली रूप से आईटीआई वालों के लिए ग्रुप सी में पोस्ट निकला है, तो चलिए मैं ग्रुप सी के पोस्ट में दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ग्रुप सी पोस्ट, और आपका जो पोस्ट का नेम है वो है आपका टेक्नीशियन बी। तो ठीक है, टेक्नीशियन बी में देखिए कौन कौन सा ट्रेड का निकला है। और इसमें आपका फीटर का 6 सीट है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लीजिए, जनरल का 3 है, ओबीसी का 1 है, एससी का 1 है, एसटी का 1 है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास चाहिए और साथ ही साथ आपका आईटीआई या अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहना चाहिए फीटर ट्रेड में। वहीं देख लीजिए आपका मशीनिस्ट ट्रेड का निकला है, 2 सीट इसमें टोटल और एक पिछला बकाया यानी एक बैकलॉग का है। और देखिए इसमें मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन की, इसमें भी सेम है 10th पास प्लस मशीनिस्ट आपका आईटीआई पास रहना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का निकला है टोटल 7 और 3 बैकलॉग का, तो यहाँ पे देखिए टोटल 10 सीट हो गया। उसके बाद मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 2 सीटें हैं, प्लम्बर का 1 सीट है, कारपेंटर का 1 सीट है, इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ तो 1 सीट है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 सीट है, ओबीसी में 1 है। उसके बाद आप ड्राफ्टमैन का बात कर लीजिए, 3 है, केमिकल का 1 है। इन सभी में आपका 10th पास रहना चाहिए और जो ट्रेड का वैकेंसी उसमें आपका आईटीआई पास रहना चाहिए। ये चीज़ होगी आपका, ठीक है। और जहाँ तक मैं सैलरी की बात करूँ तो इसमें बहुत ही अच्छा सैलरी है, इसमें आपको निराशा नहीं लगेगी हाथ। इसमें आपका सैलरी देखिए, आपका लेवल 3 का सैलरी दिया जाएगा और लगभग आपका इसमें सैलरी बन जाएगा 40 प्लस क्रॉस कर जाएगा आपका इसमें सैलरी, चूँकि इसके अलावा अदर अलाउंस भी मिलता है जैसे कि डीए हो गया, एचआरए हो गया। इसमें और भी चीज़ आपका फैसिलिटीज मिलता है जैसे कि आपका मेडिकल सुविधाएं मिलेगा, सब्सिडी युक्त कैंटीन मिलेगा, उसके बाद छुट्टी यातायात मिलेगा, उसके बाद आपका बीमा मिलेगा और मकान निर्माण के लिए अग्रिम कुछ राशि मिलेगा। ये सब चीज़ आपको फैसिलिटीज मिलती है। आपको पता है इसरो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें नौकरी लग जाने के बाद आपका लाइफ सुधर जाता है, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है आईटी कैंडिडेट के लिए। ये चीज़ हो गया सैलरी की बात। उसके बाद मैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूँ। तो देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 2 स्टेज में है, एक रिटन टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट। तो रिटन टेस्ट आपका होगा आपका 7, देख सकते हैं, मई जून, आपका जून में होगा, 7 जून 2020 को रविवार को होगा। आपका कहाँ पर होगा? अहमदाबाद में होगा, ठीक है, अहमदाबाद में होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो आप दो देख सकते हैं, इसमें 2 चरण में आपका एग्ज़ाम होगा, एक तो रिटन टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ इसमें फ़ीस के बारे में, तो इसमें फ़ीस 0 रुपया लग रहा है, कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है। और इसको आप ऑनलाइन आवेदन करना होगा, कोई भी ऑफलाइन थ्रू नहीं आएगा, सभी इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो फ्रेंड ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बता दिया हूँ इसके बारे में, सभी जानकारी मैं दे दिया हूँ, तो इंपॉर्टेंट है। और इस अप्लाई करने का इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग अभी डायरेक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज जैन बनाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड आप कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा चैप्टर से कौन सा कितना क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट जो भी आए। तो मैंने हर एक चैप्टर का बनाया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी में रहेगा, मैंने उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वही क्वेश्चन कर डाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देख सकते हैं जो भी डिपार्टमेंट है जैसे एनपीसीएल, बार्क, इसरो,
आपका न्यूक्लियर फील्ड कॉम्प्लेक्स में निकला है उसका, उसके बाद आपका HAL है, DRDO है, SAIL है, NTPC है, पावर ग्रिड है, BSPCL है, उसके बाद आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। अगर इन सभी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर मुझसे फ्री ट्रायल ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देखने के बाद, उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं बता देता हूँ कौन कौन सा चैप्टर मैं बनाया हूँ। टोटल आपको देख सकते हैं जो ITI के 2 ईयर सिलेबस में मैंने हर एक चैप्टर को बनाया हूँ, इसके ऊपर टेस्ट सीरीज आपका लगभग आपका देख सकते हैं। सभी चैप्टर को मैं लिया हूँ, जैसे कि DC जनरेटर, DC मोटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, इल्यूमिनेशन, बैटरी, वायरिंग, अर्थिंग, कन्वर्टर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, AC सिस्टम, AC एंड AC वाइंडिंग, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरग्राउंड केबल, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका तीनों कवर हो जाएगा, एनालॉग डिजिटल पावर, AC एंड DC ड्राइव, इंपॉर्टेंस लॉ, इलेक्ट्रिकल यूनिट, और साथ ही साथ आपको 4 टेस्ट सीरीज में दिया जाएगा जो हर सब चैप्टर का निचोड़ रहेगा। और इस टेस्ट सीरीज को लेने के लिए फ्रेंड आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप ये नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आपको टेस्ट सीरीज लिखकर भेजना है। आप कॉल नहीं कीजिएगा, आप टेस्ट सीरीज लिखकर भेजिएगा, वहाँ से आपको सारा चीज़ इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जरूर ले सकते हैं फ्री डेमो। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा वीडियो लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय।